हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज मनोज। आज हम बात करेंगे कि एयरटेल डीटीएच टीवी में आप वैल्यू एडेड सर्विसेज यानी कि वीएएस को कैसे रिमूव करें। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि आप पर्टिकुलर कोई चैनल हटाना हो तो वो कैसे हटाएं, या फिर कोई ब्रॉडकास्टर बुके आपको हटाना हो तो वो कैसे हटाएं। उन वीडियोज़ के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अगर आपको वो वीडियोज़ देखने हैं तो वो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड्स कि वैल्यू एडेड सर्विसेज को कैसे हटाएं। तो फ्रेंड्स देखते हैं इस प्रोसेस को। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। सबसे पहले हम ऐप में अवेलेबल ऑप्शन को देख लेते हैं कि यहाँ से वैल्यू एडेड सर्विसेज को कैसे हम एक्टिव और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। आप एयरटेल ऐप को खोलें और लोअर राइट कॉर्नर में दिए मोर ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ से आप माई एयरटेल में जाएं। यहाँ आप मैनेज अकाउंट्स में जाएं। यहाँ आपको जो प्राइमरी में डीटीएच आईडी दी हुई है इस पर क्लिक करें। यहाँ से आप चेंज प्लान पे सेलेक्ट करें। यहाँ से आप स्किप टू चैनल सिलेक्शन पे जाएं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन है, एला कार्टे, ब्रॉडकास्टर्स और वीएएस। आज का ये वीडियो हम वीएएस के लिए बना रहे हैं, तो आप VAS सेलेक्ट कर लीजिए कि यहाँ से हम कैसे एक्टिव और डीएक्टिवेट कर सकते हैं चैनल्स को। जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एयरटेल में जितने भी अवेलेबल वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं उनकी लिस्ट दी हुई है, लेकिन इनके नीचे खाली एक टिक बॉक्स दिया हुआ है, यानी कि हम इनको ऐड करने के लिए टिक कर सकते हैं, लेकिन ना तो यहाँ पे कोई रिमूव का ऑप्शन है ना ही कोई डिलीट का ऑप्शन है। तो यहाँ से अभी कोई भी ऑप्शन मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जैसे मेरे खुद के इस डीटीएच में एक चैनल यहाँ पे मैंने एक्टिव कर रखा है ऑलरेडी, ये नीचे जो महाभारत वाला चैनल है मेरे एक्टिव है, लेकिन यहाँ ना तो ये दिखा रहा है और ना ही डिलीट का ऑप्शन दिखा रहा है। तो कुल मिला के हम ऐप से जो है वैल्यू एडेड सर्विसेज को नहीं हटा सकते क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन जो है नहीं दिया हुआ। जैसे कि आपने देखा ऐप के थ्रू ये जो वैल्यू एडेड सर्विसेज पैक है इसको हटाना मुश्किल है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तो हटाएंगे कैसे, ठीक है। तो इसके दो ही ऑप्शन अभी अवेलेबल है। पहला ऑप्शन तो है या तो आप कस्टमर केयर नंबर पर फोन करो जिसका नंबर है 2। ऑप्शन है वो ये है जो उन्होंने मुझे बताया, जो कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव था उन्होंने मुझे जो दूसरा ऑप्शन बताया वो ये है कि आप सिंपल टेक्स्ट मैसेज करके कोई भी चैनल जो है रिमूव कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ टाइप करना ये है, आप सिंपल अपने मैसेज बॉक्स में जाके ये टाइप करें और जो है आप कोई भी चैनल जो भी चैनल नंबर है आपका वो नंबर आप आगे लिखेंगे तो ये चैनल जो है हट जाएगा। सेम प्रोसेस आपका ऐड का भी है, अगर आपको चैनल नंबर डालना है तो उसके लिए आपको इस तरह से कुछ मैसेज करना होगा। तो फ्रेंड्स आप ये दो तरीके अपना सकते हैं कोई भी वैल्यू एडेड सर्विसेज को हटाने के लिए। ऐप में जैसे कि ऑप्शन है नहीं तो या तो आप जो है कस्टमर केयर में फ़ोन करके हटवाओ या फिर आप सिंपल टेक्स्ट मैसेज करके जो है इसको हटवाओ। आप टेक्स्ट मैसेज केवल और केवल अपने जो रजिस्टर्ड नंबर है उसी के थ्रू कर सकते हैं, उसके अलावा जो है आप नहीं कर सकते हैं, ये इस बात का आप ध्यान रहे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर हमें नीचे बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।